नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फिर से हजाब का मुद्दा उठा है। बता दें कि छात्राओं को कॉलेज में दाखिला देने से रोका गया है। जेएसपीजी डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां हजाब पहनकर कॉलेज छात्राएं पहुंची थी और परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एबीवीपी छात्रों ने ड्रेस कोड के लिए हंगामा किया है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि हिजाब वाली छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया था। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब को लेकर यह पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब पहनकर कुछ छात्राएं कॉलेज पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेएसपीजी डिग्री कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहां पर हिजाब को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें की हैं और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ लड़कियां आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? एक जेएसपीजी कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया गया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी, हमारी मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए। वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चले जाए, क्लास चलाएंगी और वापस आ जाएंगी। लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमें अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया है, उससे और कोई इशू नहीं है। सब ठीक वहीं 100 दिवस के मौके पर साध्वी प्राची सीतापुर पहुंची, जहां उन्होंने हिंदू समाज की बेटियों के लिए सुरक्षात्मक संदेश दिया। साथ ही लव जिहाद के मुद्दे पर भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि लव जिहाद के मामले में हमारे हिंदू समाज की बेटियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यह सब सोची समझी साजिश है बेटियों के साथ, जिसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आज 6 दिसंबर हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। मेरे प्रभु राम का मंदिर बने, उसके लिए मैंने संघर्ष, लाखों लोगों की बलिदान इस राम मंदिर के लिए हुआ। भाई अनूप जी से बात हुई, इन्होंने यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम रखा है। मैं अयोध्या जा रही थी तो अनूप जी का बीच में दूरभाष पर बात हुई, इसलिए सीतापुर आप सबके दर्शन करने का मौका मिल गया। वहीं कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ड्रीम एकेडमी स्कूल संचालक की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि संचालक ने बच्चे का स्वेटर उतराकर रख दिया, घर का स्वेटर पहनकर बच्चा स्कूल पहुंचा था, परिजनों ने स्कूल का स्वेटर नहीं खरीदा था और जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। बता दें कि एसडीएम से परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है, बच्चे का स्वेटर वापस लेने के लिए ये गुहार लगाई गई है। पूरा मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र के ड्रीम एकेडमी स्कूल का है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ड्रीम एकेडमी स्कूल के संचालक की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर बच्चा स्कूल का स्वेटर ना पहनकर अपने घर का स्वेटर पहनकर पहुंचा था, तो स्कूल संचालक ने स्वेटर उतराकर अपने पास रख लिया, जिस पर परिजनों ने अब एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्र लिखकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। गौरापुर में मना है सर, गौरापुर के हम भी रहने वाले हैं सर, तो स्कूल में बच्चों को, दो बच्चों के हमने यूनिफार्म खरीद दी है सर, और एक बच्चे को हमने यूनिफार्म नहीं खरीद पाया, मतलब स्वेटर, तो स्वेटर घर से पहन गया बच्चा 3 दिन से, मतलब उन्होंने उतार लिया सैटरडे को 3 तारीख को, जब से 2 दिन हो गए सर, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरा बच्चे का स्वेटर जो पहन रहा घर पे तो पहन सके कम से कम सर्दी में, वो भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं सर। आज मैंने इन पे कॉल की, हमने बच्चे का स्वेटर क्यों रिटर्न कर रहे हो, कह नहीं कि जो करना हो कर लो।
बुलंदशहर के शयान कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड की फायरिंग हुई। पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश राजेश के पैर में गोली लग गई, जबकि राजेश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आरोपी राजेश के पास से लूट के 12,000 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहले से भी आरोपी के खिलाफ कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज रात्रि में थाना सयाना पुलिस हाजीपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना थाना सयाना को प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि एक हंग बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध असले के साथ बुगरासी से सयाना की तरफ जा रहे हैं। हाजीपुर पुलिया के पास थाना सयाना पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार लड़कों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। इसमें इनको रोकने पर भी इनके द्वारा कई राउंड फायर किए गए। थाना सयाना द्वारा इन पे भी फिर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया एवं दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ बुलंदशहर से साझा करें, जहां पर बीमारी से सीआरपीएफ के एक जवान का निधन हो गया है। पैतृक आवास लाया जाएगा जवान का शरीर। मुक्तिधाम में सलामी के बाद दी गई अंतिम विदाई। तो आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद जवान का निधन हो गया है। करीब 3 महीने से अस्पताल में भर्ती था जवान, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहा था। पैतृक आवास लाया गया है जवान का शरीर, जिसके बाद अंतिम विदाई दी गई। 3 महीने से जवान अस्पताल में भर्ती थे, जिसकी वजह से अब उनकी लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई है। बुलंदशहर से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई है। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जवान लंबे समय से जूझ रहे थे और आज उनका निधन हो गया। मुक्तिधाम में सलामी के बाद अंतिम विदाई दी गई है जवान को। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे किसान जवान। तस्वीरों में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान को सलामी दी जा रही है। पैतृक आवास में पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पर जवान को आज पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि जवान काफी लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। पूरे सम्मान के साथ आज जवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी के चलते जवान का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि करीब 3 महीने से अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान भर्ती थे, जहां पर उनका ब्रेन ट्यूमर का आने की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था और तभी से उनका इलाज जारी था। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई है और पूरे सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई की हम सीधा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे सम्मान के साथ जवान को विदाई दी गई है। वहीं सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बख्तपुर थाना बसुआ जिले के रहने वाले सर्वेश के रूप में हुई है, जो कि बाइक से मजदूरी करने के लिए जा रहा था। इसी बीच ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वहीं सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि 24 घंटे से इस शख्स के गायब होने की खबर थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज गांव के बाहर पेड़ पर फंदे पर शव लटका मिला। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बीते 24 घंटे से एक शख्स गायब था, जिसका शव गांव के पास खेत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। बता दें कि पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और अब शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बांदा से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति समेत तीन लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना करके भाग रहे चालक को ग्रामीण ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दें, जो कि लखनऊ से सामने आई है, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बैठक की गई है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक बैठक की है, जिसमें गली मोहल्ले में वायर को अंडरग्राउंड करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत मुख्य मार्गों पर भी जो वायर हैं उन्हें अंडरग्राउंड करने की योजना तैयार की गई है। साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनी के साथ भी बैठक की गई है, जिसमें सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों का विकास करने की भी बात और योजना बनाई गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर दें, जहां पर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बैठक की है, जिसमें गली मोहल्ले में वायरों को अंडरग्राउंड करने को लेकर योजना तैयार की गई है। इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को भी शामिल किया गया था, जिसमें पूरी योजना को तैयार किया गया है। मुख्य मार्गों को जो वायर हैं उन्हें भी अंडरग्राउंड करने की पूरी योजना तैयार की गई है और स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये पूरी बैठक की गई है। नगर निगम लखनऊ में पूरी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी योजना को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई और इसमें टेलीकॉम विभाग की तरफ से भी जो अधिकारी थे वो शामिल हुए। वहीं बिजनौर के मजेड़ा चौकी के पास आज एक गुलदार की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। गुलदार की मौत की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा होनी भी शुरू हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन दरोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलदार का सड़क के पास खेत में मृत अवस्था में शव पड़ा हुआ पाया गया था। इसकी मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगा। तो आपको बता दें कि गुलदार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। खेत में शव पड़ा होने की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम को अवगत कराया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी मौत की वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं शाहजहांपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। और ये
फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।